तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने कई व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जिन्हें पता नहीं होता कि अगर कोई भी क्राइम कर रहे हैं तो उन्हें उससे पता नहीं होता कि आगे जाके उनके साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है उसके बारे में। जैसे कई व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे जो जिनको सजा हुई है और जिसने क्राइम किया है और उनको सजा हुई है, और तो काफ़ी व्यक्ति ऐसे भी होते हैं उनमें कि वो सोचते हैं काश मुझे पहले से पता होता कि अगर मैं ये क्राइम अगर मुझसे हुआ है तो मुझे ये सज़ा होने वाली है, तो हो सकता है कि शायद मैं ये क्राइम ना करता और इस क्राइम के बारे में ना सोचता। जैसे कि आपने देखा कि क्राइम जो है इस समय काफ़ी लेवल तक ऊपर पहुंच चुका है, और अगर ये चीज़ें कुछ लोगों को अगर पता चल जाती हैं कि अगर मैं ये क्राइम करता हूँ तो मुझे ये सज़ा होगी, तो हो सकता है कि काफ़ी लेवल तक जो क्राइम है वो नीचे आ जाए, जो इतने बढ़ चुका है। आज की डेट में आपने देखा होगा कि काफ़ी लेवल तक जो क्राइम है वो हर दिन आपको हज़ारों केसेस मिलेंगे कि हाँ आज यहाँ पे ये क्राइम हुआ, यहाँ वो क्राइम हुआ। तो इस लेवल को काफ़ी लेवल तक जो पहुँच चुका है क्राइम, उसको लेकर जो कम लेवल पर अगर लोगों को लॉ के बारे में नॉलेज होगी थोड़ी सी भी, तो हो सकता है क्राइम को थोड़ा सा नीचे लाया जा सके। और इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं, जो IPC की धारा 308 है उसके तहत जो केस होता है उसके बारे में। जो ऐसे कि आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी जो है वो झगड़ा हो रहा है या किसी भी व्यक्ति से आपसी झगड़ा हो रहा है, और आपसी झगड़े में अगर कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश चाहे जिसको पता ना हो कि मैं उसे उसे पता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैं उसे मारना नहीं चाहता और किसी भी परिस्थिति में उसे उस पर प्रहार करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो और उसे प्रहार करना पड़ता है, और किसी भी और गलती से अगर किसी ऐसी जगह उसको लग जाता है कि उसकी जो बात है वो जान पर आ जाती है, या तो अगर जान पर बात आ जाती है तो उसको लेकर जो IPC की धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, और उसमें कोई भी जमानत नहीं होती है, और उसमें 3 से 7 साल के बीच में जो आपको सजा है वो 3 से 7 साल के बीच में जाती है, और उसको लेकर इसमें कोई भी ना कोई जमानत होती है ना ही कुछ होगा आपका। जो 3 से 7 अगर किसी कारणवश बच जाता है व्यक्ति सामने वाला, तो उसको सजा जो 7 साल के लेवल पर जाती है, अगर जान पे बात आ जाती है तो 7 साल तक सजा जाती है। अगर किसी कारणवश व्यक्ति बच जाता है और तो हो सकता है आपकी उसी गैप में सजा थोड़ी सी कम हो जाए, बट सजा इसमें यही होती है कि अटेम्प्ट टू मर्डर आपने वो अटेम्प्ट किया है तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए IPC धारा 308 के तहत आपके मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसमें आपको मैंने बताया 307 साल की सज़ा होती है। तो ये होता है IPC धारा 308 में, और बाकी की भी मैं आपको बताऊंगा कि धारा 307 और जो भी आपको धाराओं के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताता रहूँगा। और जिस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो उससे पहले ये चीज़ों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि आगे उसके साथ क्या होगा, उसके घर वालों के साथ क्या हो सकता है, क्या किस लेवल पर केस जा सकता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसके बारे में जानें, और इससे हो सकता है कि क्राइम को काफ़ी लेवल पर जो है वो कम किया जा सके। और इसी साथ वीडियो को लेकर और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। आगे की मैं वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। इसके साथ नमस्कार।